बरेली में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बरेली में 461.87 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 519.75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 981.62 करोड़ की सेतु, आवास, विद्यालय, चिकित्सालय, एसटीपी आदि से संबंधित विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जी ने आज बरेली में नैनीताल रोड स्थित एक परिसर में किसान सम्मेलन में इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास की परियोजनाएं व्यापक परिवर्तन करने वाली है एवं स्थानीय प्रगति की प्रतीक भी। इसके लिए बरेली वासियों को उन्होंने बधाई भी दी। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि बरेली का एयरपोर्ट जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरेली विकास की ओर अग्रसर पत्रिका विमोचन भी किया। बरेली जनपद में ऑपरेशन कायाकल्प एवं मिशन मुस्कान आदि के अंतर्गत किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित एक फिल्म भी माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य अतिथियों के समक्ष प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर उनको लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि कृषक भाई हमारे अन्नदाता है, उनके हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सतत कार्य कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले कार्य रूप में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का लगभग 38,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप कृषक भाइयों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कृषक भाइयों को उनकी कृषि उपज का सही दाम मिले। इसके लिए क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे किसानों को पूरी धनराशि मिल सके। उन्होंने कहा कि कृषक भाइयों को उनकी उपज के उचित दाम मिले इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है और नए कृषि कानूनों में इस व्यवस्था का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कृषक भाइयों को 6,000 रुपए सालाना प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 22,000 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजे जा चुके हैं और अब दूसरी किस्त भी शीघ्र भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में नया संचार आ रहा है। भारत आशा भरी निगाहों से देखा जाने लगा है, लेकिन जलन रखने वाले विपक्षी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। वे लगातार झूठ का प्रचार कर अव्यवस्था का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकते क्योंकि सत्य की विजय होती है। विपक्षी लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कोई नहीं ले सकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पूर्व की भांति रहेगा। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जितना भुगतान उनकी सरकार में किया गया है उतना भुगतान इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में जितनी चीनी की आवश्यकता है वह यही पैदा की जा रही है। इससे संबंधित उद्योग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार गांव, गरीब, नौजवान, शहर, महिलाओं आदि के विकास के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार गांव, गरीब, नौजवान, शहर, महिलाओं आदि के विकास के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा उससे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की व्यवस्था इससे की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर हो रहा था। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था, पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायकों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट में उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन एक कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ और इसके बाद दूसरा कदम उठाया गया वह प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है लेकिन साथ साथ अब तक लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और MSP का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। अग्रवाल प्रदेश यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था और आज मैं कह सकता हूं 3 वर्ष में सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले 3-3.5 वर्ष